विवाहिता की मौत के मामले में पति समेत 5 ससुराल जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि मुकदमा गंगाघाट कोतवाली में कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट की शरण ली थी। आपको बता दें कि गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर निवासी कोमल की शादी कानपुर के कल्याणपुर निवासी विजेंद्र के साथ हुई थी। परिजनों ने बताया कि ससुराल जन उसे शादी के बाद दहेज को लेकर आए दिन प्रताड़ित करते थे। 14 मार्च 2022 को ससुराल जनों ने उसे मायके भेज दिया। इसके बाद उसका पति और ससुराल के लोग बराबर मोबाइल से उसे धमकाते थे। इससे परेशान होकर कोमल ने 17 मार्च 2022 को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस पर पीड़ित परिवार ने गंगाघाट कोतवाली में शिकायत की थी और बताया था कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस पर मृतका की मां ने कोर्ट में शरण ली थी। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति और उसके ससुराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।